दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि Redmi Note 7 Pro को कुछ यूज़र्स को MIUI 11 का स्टेबल अपडेट मिल चुका है। अब दोस्तों बारी आती है कि मेरे से पूछ रहे थे बहुत लोग कि अब Redmi Note 7 और Redmi Note 7S को MIUI 11 का अपडेट कब मिलने वाला है। तो Redmi Note 7 Pro को तो दोस्तों बहुत सारे यूज़र्स को मिल चुका है और बाकी के रह गए हैं तो उनको भी मिल जाएगा MIUI 11 का स्टेबल अपडेट। तो यहाँ पर जो है ऑफिशियली डेट, यहाँ पर ये पोस्टर है तो 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब नेम लिखे हुए हैं किन किन को मिलने वाला है इस महीने के अंदर। तो पोको F1, रेडमी K20 Y3, रेडमी 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडमी नोट 7 जो कि सबसे लास्ट में है, इसको मिल चुका है अपडेट। और अब दोस्तों बारी आ रही है रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7S को। तो दोस्तों इसको कब मिलने वाला है अपडेट? तो दोस्तों इसको 8 से 7-8 दिन के अंदर दोस्तों अपडेट मिल जाएगा Redmi Note 7 और Redmi Note 7S को। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन के अंदर आप मान लीजिए तो 10 दिन के अंदर आपको Redmi Note 7 और Redmi Note 7S को भी अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि Redmi Note 7 Pro को तो मिलने ही वाला है, बहुत सारे यूज़र्स को मिल भी चुका है। तो अब बारी आती है Redmi Note 7 और Redmi Note 7S, तो इनको 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही मिल जाए, तो मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर सभी यूज़र्स को अपडेट मिल जाएगा Redmi Note 7 और Redmi Note 7S। ठीक है दोस्तों, अगर आपका थोड़ा भी डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छी से दिवाली बनाइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।